हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। ये हम जो सीरीज चला रहे हैं आर एस अग्रवाल में से चला रहे हैं। इससे पहले हमने इस पर वीडियो बना दिए हैं। आज एक्सरसाइज 15A का कौन सी नंबर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 28 से आगे के क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 27 तक का सोल्यूशन आपको दे चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो पहले वाले वीडियो अगर आप उनको देख लोगे, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो उसने पहले दिया है ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं हमारे, 8 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं हमारे, 12 दिन में। और तीनों मिलकर इसे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसको कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। अब पूछ रहा है ए प्लस बी इसको कितने दिन में खत्म करेंगे, ए प्लस बी इसको कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें बताया था आपको, आपको क्या करना होता है इन सवालों में, आपको इनकार ये जो सवाल दिया हुआ था इसमें आपको क्षमता निकालनी होती है कि ये जो काम कर रहा है इनकी काम करने की क्षमता क्या है और हमारा काम कितना है। सबसे पहले क्षमता और काम, तो हम निकालेंगे। देखो दिन कितने आ रहे हैं हमारे, ये तो हमारे दिन हो गए, ये हो जाएगी हमारी क्षमता और फिर आगे हो जाएगा हमारा कार्य, ठीक है। जब 8 दिन 12 दिन 6 दिन ये जो दिया हुआ होता है इसका हम निकालते हैं एलसीएम। इसका जो एलसीएम निकालते हैं उससे निकालते हैं हम कार्य, मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वही हमारा कार्य होता है। अब 8 का 12 का और 6 का जो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 24। और जो 24 होगा वही हमारा कार्य होगा, मतलब ये सभी लोग कितना कार्य कर रहे हैं, 24 कार्य कर रहे हैं। ए प्लस बी भी 8 दिन में 24 कार्य कर रहा है, बी प्लस सी भी 12 दिन में 24 कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी भी 6 दिन में 24 कार्य कर रहे हैं और ए प्लस सी भी जो काम करेंगे 24 करेंगे। अब ये 24 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनकी क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 24 में 8 का भाग देंगे 3 आ जाएगी, बी प्लस सी की 24 में 12 का भाग दो 2 आ जाएगी। अब तीनों का 6 का 24 में भाग दो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखो हमको ये क्षमता पता हो गई, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3, बी प्लस सी की क्षमता 2 और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 है। अब यहां से निकालो ए प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, आप यहां से देखो ए प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी हमारी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है हमारी, 4। अब देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, आप इन दोनों को जोड़ दो तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए प्लस टू बी प्लस सी और ये कितनी आ जाएगी हमारी, इन दोनों को जोड़ दो कितनी आ जाएगी हमारी, 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसमें देखो ए प्लस बी प्लस सी की हमारी 4 है, ए प्लस टू बी प्लस सी की 5 है, मतलब इसमें बी एक बार एक्स्ट्रा जुड़ गया तो हमारी जो क्षमता 1 बढ़ गई। तो इसका मतलब है बी की क्षमता कितनी है हमारी, बी की क्षमता हमारी है 1, बी की क्षमता कितनी है हमारी 1, यहाँ पे 1 बी एक्स्ट्रा है ना, ए प्लस बी प्लस सी 4, ए प्लस टू बी प्लस सी 5, मतलब बी की कितनी हो गई 1। अगर बी की 1 है तो ए की कितनी आ जाएगी, यहां से देखो ए प्लस बी की कितनी है 3, बी की हमारी 1 है तो ए की कितनी आ जाएगी हमारी, ए की आ जाएगी 3 - 1 = 2, ए की कितनी आ गई हमारी 2। तो फिर सी की कितनी आ जाएगी, सी की यहां से देखो कितनी आ जाएगी, सी की भी कितनी आएगी 1 आ जाएगी, सी की कितनी आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। कैसे आएगी, बी प्लस सी की कितनी है 2 और बी की कितनी है 1 घटा दो इसमें से, तो सी की कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी ना। अब ए प्लस सी की कितनी हो जाएगी, ए प्लस सी की हो जाएगी 2 और 1 = 3 और 3 की क्षमता से 24 कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, 8 दिन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्षमता निकाल लो, ये जो क्षमता निकाली है मैंने इस तरीके से आपको इनकी क्षमता निकाल के आंसर को कर देना है।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 5 दिन में। बी प्लस सी से 4 दिन में। बी प्लस सी इसको कितने दिन में कर सकते हैं? 7 दिन में। और फिर दिया ए प्लस सी इसको कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब बोला कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम दिन में खत्म कर सकता है, कौन अकेला सबसे कम दिन में खत्म कर सकता है। तो देखो आपको अलग अलग ट्रिक किसी ने बताए होंगे, आपने पढ़े होंगे। इसमें आपको मैं ये जो चीज बता रहा हूं आप इसको समझ लो, आपको इसमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें देखो जो हमको तीन संख्याओं का तीनों का ग्रुप दे रखा है, अब इसमें सबसे कम समय में कौन सा ग्रुप कर रहा है, इस क्वेश्चन को सबसे कम समय में कौन सा ग्रुप कर रहा है। अब देखो सबसे कम समय में ए प्लस सी कर रहे हैं हमारे, सबसे कम समय में ए प्लस सी कर रहे हैं हमारे, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए या सी सबसे कम दिन में इस काम को खत्म करेंगे, या तो ए या तो सी। देखो ए प्लस बी का 5 है, बी प्लस सी का 7 है और ए प्लस सी का 4 है, मतलब क्या है, या तो ए या फिर सी, इन दोनों में से कोई भी सबसे कम समय में इस काम को खत्म करेगा। अब कैसे पता करेंगे सबसे कम समय में कौन खत्म करेगा, उसके लिए आप यहां पे आ जाओ, उसके लिए यहां पे आ जाओ। देखो b प्लस ए दिया हुआ है कितने दिन में, 5 दिन में, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, और b प्लस सी दिया हुआ है हमारा 7 दिन में। अब एक चीज देखो, इन दोनों में से कोई एक सबसे कम समय में काम को हमारा खत्म कर रहा है, बी तो करेगा नहीं क्योंकि बी वाला ग्रुप इस ग्रुप से ज्यादा आ रहा है, तो इन दोनों में से जब कोई एक सबसे कम ग्रुप समय में काम करेगा तो इन दोनों में से जो जिसके साथ जुड़ के सबसे कम समय होगा, बी प्लस ए 5 दिन, बी प्लस सी 7 दिन, इसका मतलब क्या हुआ, सी ए से ज्यादा समय ले रहा है तभी तो यहां समय ज्यादा आ रहा है, बी तो दोनों में सेम है, ए और सी को जोड़ा है इसमें, ए वाला ग्रुप 5 दिन ले रहा है और सी वाला ग्रुप 7 दिन ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सी ए से ज्यादा समय ले रहा है उसको पूरा करने में, तो आंसर क्या हुआ हमारा, ए आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ पे, मतलब ए जो है वो सबसे कम समय इसमें लेगा काम को पूरा खत्म करने में। समझ में आ गया होगा, सबसे पहले इसमें ढूंढते हैं सबसे कम कौन सा ग्रुप ले रहा है, जो ग्रुप सबसे कम लेगा उन दोनों में से कोई सबसे कम समय में काम करेगा, फिर इन वाले में कौन सा सबसे कम ले रहा है, तो 5 यहां इससे कम समय ले रहा है, तो ए की वैल्यू जिसके साथ है वो वाला आंसर हो गया, मतलब ए का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं हमारे, 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, बी प्लस सी से 15 दिन में खत्म कर रहे हैं, बी प्लस सी से 15 दिन में खत्म करें, यदि सी ए की तुलना में दोगुना अच्छा कार्य करता है। ठीक है, यहां लिखो क्या करते थे, उसने दिया हुआ है सी की जो तुलना जो कार्य क्षमता है वो ए से दुगुनी है, सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य, मतलब ए की क्षमता जो है, ए की क्षमता सी की क्षमता से दोगुनी, क्षमता दे रखी है। ठीक है, जो ए की क्षमता सी की क्षमता से दोगुनी, मतलब ए की क्षमता टू सी के बराबर है। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं दिन, यहां निकालते हैं हम क्षमता और यहां निकालते हैं हम कार्य, कार्य के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम हमारा आएगा कितना, 15 12 60,
इनका आ गया हमारा एलसीएम 60, मतलब ये दोनों 60 कार्य कर रहे हैं। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी हमारी 5, बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी हमारी 4। अब देखो उसमें क्या दिया हुआ है, बी दोनों के साथ बी जोड़ रहा है, उसने क्या बोला ए की क्षमता सी से दुगुनी है। अगर आप मान लो सी की क्षमता हमारी कितनी है 1, तो ए की क्षमता हमारी कितनी है फिर 2। उसने इस तरीके से दिया हुआ है, सी की क्षमता यदि 1 है तो ए की क्षमता कितनी है हमारी 2। अब यहां पर देखो ये जो है यहाँ पे माना जा रहा नहीं है माना जा रहा, अगर ए की क्षमता 2 है तो यहाँ बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 5 में से 2 हटाओगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी ना। और यहां देखो 4 में से 1 घटाने के बाद भी बी की क्षमता 3 आ रही है, मतलब यही हमारा आंसर रहेगा, ए की क्षमता 2, सी की क्षमता 1 और बी की क्षमता 3 होगी। अब आंसर में पूछ रहा है आपको उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, बी की क्षमता कितनी आ गई हमारी 3। अब 3 की क्षमता से 60 कार्य को बी करेगा तो 60/3 बराबर 20 दिन, तो बी जो है इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा 60। बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई 3 आ गई ना, बी की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई, 60 कार्य को बी कर रहा है तो 3 की क्षमता से कितने दिन में खत्म कर देगा 20 दिन में इसको खत्म कर देगा, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है 12 आदमी है आदमी कितने हमारे 12 आदमी दिए हैं उसने, 12 आदमी दिए हुए हैं, वो कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 8 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। अगर 12 आदमी 8 दिन में कोई काम खत्म कर रहा है तो इससे हम यहीं पे सवाल को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां से निकाल दो कार्य कितना आ रहा है हमारा, कार्य कितना आ जाएगा 12 × 8 बराबर 96 क्या आ गया हमारा ये कार्य, 12 क्या ये आदमी है और 8 इनको दिन काम करने में लग रहे हैं, तो 96 दिन ये कार्य कितना हमारा 96 हो गया कार्य। अब आगे पढ़ो, आगे बोल रहा है काम आरंभ करके 3 दिन बाद यह तय किया जाता है कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। अब इन्होंने काम आरंभ कर दिया, इन्होंने काम को आरंभ कर दिया और 3 दिन बाद में 3 दिन इन लोगों ने काम कर लिया, अब 12 आदमी 3 दिन में कितना काम कर देंगे 12 दिए 36 काम तो ये कर देंगे, 8 दिन में इन्होंने को 96 कार्य करना है तो 3 दिन में इन्होंने 36 कार्य कर दिया, तो शेष कार्य कितना बचा हमारा 96 − 36 बराबर 60 कार्य, 60 कार्य बचा। अब वो बोल रहा है कि ये जो 60 कार्य बच रहा है इसको हमको 4 दिन में खत्म करना है। अब 4 दिन में खत्म करने के लिए आपको कितने आदमी और लगेंगे, उसमें क्या करना है 60 कार्य को आपको कितने दिन में खत्म करना है, ये 60 बच रहा है, 60 कार्य को आपको कितने दिन में खत्म करना है 4 दिन में, तो 4 दिन में खत्म करने के लिए कितने आदमी लगेंगे हमारे 15 आदमी लगेंगे। अब 15 आदमी लगेंगे, पहले थे हमारे पास कितने 12, अब 15 इसको खत्म करने में लग रहे हैं तो एक्स्ट्रा आदमियों की कितने की जरूरत पड़ी हमें 15 में से 12 घटा के मतलब 3 आदमी की जरूरत और पड़ेगी हमें, इस कार्य को खत्म करने के लिए हमको 3 आदमी की और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो में किस चीज की कमी दिख रही है। आप हमको इतना तो कर सकते हैं कि हमारे चैनल को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।